हेलो दोस्तों, मीर होम किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी और कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले एक मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें एक कप सूजी ऐड करेंगे और एक कप सूजी के लिए हम दो कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हमें थोड़ा सा गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर रेस्ट पर रख देते हैं ताकि हमारी जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। तो इसके बाद हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने दो प्याज ली हैं, 5 हरी मिर्च ली हैं और 4-5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक आलू लिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसका हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, आलू और प्याज का जो पानी होगा उसी में ये पिसकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। तो 5 मिनट हमारी सूजी को हो चुके हैं। 5 मिनट में हमारी सूजी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया था। और सूजी आप मोटी या बारीक जैसी भी हो आपके पास ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे भी आप ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भी आप इसी तरीके से डायरेक्ट गर्म पानी में डाल दीजिए, वो भी अच्छे से फूल जाएगी। तो बस उसके बाद हम अपना आलू और प्याज वाला जो पेस्ट है उसे अपनी सूजी में ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने यहाँ जो गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, काफ़ी सारा हरा धनिया लिया है। इसे सभी को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। एक बार नमक आप चेक कर लीजिए। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर अपनी कढ़ाई चढ़ा देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम अपना ये जो सूजी वाले घोल को हम अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं और बहुत ही स्लो गैस पर हमें इसे आराम आराम से पकाना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और बस हम धीमी धीमी आंच पर इसे पका लेते हैं। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। बस इसी तरीके से जिस तरीके से हम चला रहे हैं चलाते जाएंगे और ये खुद ही अपने आप ही थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। तो बस इसे हमें 5 मिनट ही पकाना है। 5 मिनट में ये हमारा जो है एक आटे के डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी टाइट हो चुका है। तो बस इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो कुल मिला के 5 मिनट में ही हम जो है इसे गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से चलाएंगे क्योंकि हमारी जो कढ़ाई होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। आप कोई थाली या परात ले लीजिए और उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, इतना ठंडा कर लीजिए ताकि हम इसे हाथ से छू सकें। और इसे रेस्ट पे रख देते हैं और अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चटनी के लिए 2 चम्मच चना दाल ली है और उसे थोड़ा सा तेल डालकर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। ठंडा होने के बाद हम इसे अपने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1 टमाटर ले रही हूँ जिसे मैंने रफली काट लिया है, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 हरी मिर्च ले रही हूँ। चटनी को हमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। वो थोड़ा सा दही डालेंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब इधर हमारा जो सूजी वाला मिश्रण है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अपने हाथों को हम चिकना करेंगे थोड़ा सा तेल से और थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ जो ये मिश्रण हाथ में लेंगे और इसे एक टिक्की का शेप देंगे। आप जो शेप देना चाहे दे सकते हैं। मैंने यहाँ एक स्केच ली है, आप यहाँ कोई पेंसिल या पेन वगैरह जो भी आपके पास है उसे ले लीजिए और बीच में होल कर दीजिए। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये टिक्की बनकर। अगर आप इसे सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा लुक दे दिया है एक डिज़ाइन देकर ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो बस इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे।
ये नाश्ता बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने में ये नाश्ता। तो सभी टिक्कियों को इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ हमारी सभी टिक्की रेडी हो चुकी हैं बनकर। अब हम एक छेद वाली छलनी लेंगे, या आपके पास दूध पर जो ढकते हैं वो छलनी है, या जो भी आपके पास इसी टाइप की कोई चीज़ हो जिसमें आप स्टीम कर सकें आप उसी को ले लीजिए, और थोड़ा सा तेल से चिकना कर लीजिए ताकि हमारी जो ये टिक्कियाँ हैं ये चिपके ना। और इसी तरीके से हम इन्हें सभी टिक्कियों को ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी इस जाली वाली छलनी में। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले से ही पानी को चढ़ा कर रखा था, तो इसमें अच्छे से उबाल आने वाला है। तो अब हम इस छलनी को अपने भगोने के ऊपर रख देते हैं और इसे हम ढककर कवर कर देते हैं। कम से कम हम इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो टिक्कियाँ थी वो काफ़ी अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। इसे ठंडा करने के बाद हम इन्हें आराम से उतार लेंगे। तो यहाँ हमारी जो टिक्कियाँ हैं सभी उतर चुकी हैं और बहुत ज़्यादा आराम से उतर जाती है, लेकिन हमें बहुत ठंडी करने के बाद ही इसे आहिस्ता से उतारना है क्योंकि टूट जाती हैं। तो यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। कैसी लगी ये आज की रेसिपी, मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये नाश्ता। एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।